सील मारा हुआ है एंड दिस सील इज डन बाय लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। अब उसका सर्टिफिकेट अगेंस्ट दिस 5 लीटर कैन सर्टिफिकेट, ये 5 लीटर कैन का कैपेसिटी बोल के सील किया है एंड इट हैज गॉट वैलिडिटी भी यहाँ पे रहता है। आफ्टर दिस वैलिडिटी इज ओवर हम इसको वापस से कैलकुलेशन कराना है, उनके पास में साइंटिफिक टूल्स है, इक्विपमेंट्स है जिससे मेजर करता है कि ये 5 लीटर में एग्जैक्टली 5 लीटर आता है। वंस दैट ये सील हो जाता है वी हैंड इट ओवर टू रिटेल आउटलेट, जो मैनेजर होगा वो उसको अभी हर रोज सुबह चेकिंग करेगा। तो ये 5 लीटर के मतलब सर्टिफाइड बाई लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट 5 लीटर ये चेक है उसको ये सर्टिफाई कर रहा है लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की 5 लीटर कैन है। इसमें हम लोग टेस्टिंग करेंगे, हर रोज सुबह करना है, हर एक नोजल से करना है, वो डीलर का काम है। 5 लीटर में आपको 5 लीटर ही मिलता है, तो आप जितना बार, क्योंकि हमारा कोई अलग से 10 लीटर ये सब करने के लिए बहुत सारा कुछ है ऐसा वाला मेजरिंग कैन जो, लेकिन जस्ट एक स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए हम 5 लीटर कैन को ही मेजर करते हैं। हर कोई भी पेट्रोल पंप चले जाइए, आपके पास में ऐसा कैलिब्रेटेड वाला 5 लीटर का कैन मिलेगा। एंड वो कस्टमर का राइट है कि 5 लीटर कैन अगर उसको लग रहा है कोई भी आउटलेट में, कोई भी पेट्रोल पंप में, चाहे वो SR का हो, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे भारत पेट्रोलियम, चाहे हमारा इंडियन ऑयल का हो, ये 5 लीटर कैन आपको मिलेगा। कस्टमर कभी भी चेक करवा सकता है कि मेरा 5 लीटर में 5 लीटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दैट इज कस्टमर्स राइट, वो चेक कराना। इनकेस ऑफ डीलर डिनाई करता है, कंसर्न ऑफिसर को कॉल करके कंप्लेन भी लॉन्च किया जा सकता है। ये सामने को यहाँ में होल ये था ना, ये वाला सर्कुलर है, सर्कुलर वाला है क्योंकि यहाँ में चिट्ठी करने में चाहिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर ये चीज़ जो है 5 लीटर दिखा रहा है, 5 लीटर अगर जो उनका रेट है RSP जो भी आता है 5 लीटर अगेंस्ट 5 लीटर उसका रेट बनता है 466.445। जैसे सर ने बताया है, लीगल मेट्रोलॉजी इंस्पेक्टर ने बताया है कि ये सीलिंग किया हुआ है ऑल यूनिट्स, तो बेसिकली ये पंप यूनिट है, ठीक है। इसी तरह से टोटलाइजर का मोटर बोर्ड यूनिट भी रहता है ऊपर में, ये मदर बोर्ड यूनिट है, अगेन ये भी किया हुआ है। ये सील को हम लोग रेगुलरली चेक करता है कि ये सील इंटैक्ट है कि नहीं, ये सील इंटैक्ट है कि नहीं। अगर इनकेस ऑफ बिना ये सील खोले डीलर के नॉट मेक एनी चेंजेस इन दिस मदर बोर्ड, इसको सील को तोड़ना ही पड़ेगा, देयर्स नो अदर ऑप्शन फॉर द डीलर, ठीक है। सील तोड़ देने से भी, दोबारा इसमें छेड़खानी करने का कोशिश करने से भी एक OTP आता है, OTP जाता है हमारा इसका जो ये कंपनी है, ये जो ये मशीन का कंपनी का नाम है टोकिम, ठीक है। तो दो ही मेजर कंपनी से मशीन बनाने वाला टोकिम कंपनी एक है GBR, बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज, तो उनके पास में उनका मैकेनिक के पास में एक OTP जाता है। अगेन दैट OTP जब तक नहीं मिलेगा डीलर अकेला नहीं कर पाएगा। इन केस ऑफ डीलर, और अगर मान लीजिए टोकिंग का मैकेनिक भी अगर बाई एनी चांस मतलब दोनों मिलके कुछ करने का कोशिश भी कर रहा है, दैट OTP हैज़ टू बी वैलिडेटेड बाई मी अगेन द फील्ड ऑफिसर। तो वो OTP जब तक वैलिडिटी, हम कैसे वैलिडिटी चेक करेगा इनका सर्विस रिपोर्ट और लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट के साथ में कि इस समय कुछ हुआ था। एंड आई विल ऑल्सो चेक फॉर एनी कंप्लेन इस पर्टिकुलर DU के अगेंस्ट में कुछ कंप्लेन हुआ था कि नहीं हुआ था। ईच ऑफ द मतलब ये आपका डिस्पेंसिंग यूनिक, इसका एक सीरियल नंबर रहता है, ये देख लीजिए ये सीरियल नंबर है। हर एक डिस्पेंसिंग यूनिट इंडिपेंडेंट है, हर एक डिस्पेंसिंग यूनिट मतलब यूनिक है, इट हैज़ गॉट सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो OTP बेस्ड ऐसा हो चीज़ है, एवरीवन इज इंटरलिंक्ड, कोई अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, सब इंटरलिंक है कुछ होने से भी।
तो ये ओटीपी वाला बेस सिस्टम है, तो इसी तरह से सील किया गया है। ये सील का वैलिडिटी भी उन लोग निकल मेट्रोलॉजी भी चेक करता है, एंड वी एज ए यहाँ पे जो मार्केटिंग ऑफिसर है हमें हमें आयो सील का, तो हम लोग भी रेगुलरली चेक करते हैं ये सील तोड़ा हुआ है क्या नहीं है। इंटेक मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये तभी खुलेगा जब इनकेस ऑफ एनी कंप्लेन, मतलब कि कुछ मीटर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ इश्यू हो रहा है, देने में तकलीफ हो रहा है, देन वो कंप्लेन लॉन्च करेगा। प्रोसेस ऐसा है कि कंप्लेन लॉन्च करेगा, कंप्लेन लॉन्च करने के बाद वी विल कॉल फॉर द टेक्नीशियन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्पेंसिंग यूनिट, वो आएगा, लीगल मेट्रोलॉजी आएगा, मैं आऊँगा, तीनों के प्रेजेंस में मिलके उसको देखता करके अगेन सीलिंग करें, अगेन न्यू सर्टिफिकेट विल बी इशू कि ये डेट में ये काम हुआ था। वो सर्टिफिकेट वैलिडिटी हर साल उसको चेक ये रिन्यू कराना है, वो रिकैलिब्रेशन भी करता है। मान लीजिए इस साल इसने रिकैलिब्रेशन करा दिया, इसके बाद में भी अगर कोई इशू नहीं है, एक साल तक चला, एक साल खत्म, वैलिडिटी सर्टिफिकेट वैलिडिटी खत्म होने के बाद ही उसको रिकैलिब्रेशन कराना है, एक बार फिर से चेक करना है कि मेरे एक साल में तो प्रॉब्लम नहीं दिया, लेकिन एक साल बाद भी कुछ इशू तो नहीं है। लीगल मेट्रोलॉजी इंस्पेक्टर फिर से आएगा, दोबारा आएगा, टेक्नीशियन फिर से आएगा, फिर से चेक करेगा एवरीथिंग इज ओके, 5 लीटर में 5 लीटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो चेक करेगा, वंस दैट इज कन्फर्म फिर से सील। तो ये सीलिंग इंटैक्ट है, सीलिंग में पूरा आपका जैसे सर ने बताया है ये ईयर ईयर रहता है और सी मैंने क्वार्टर रहता है, क्वार्टर सी क्वार्टर, ये जनवरी फरवरी मार्च ए हो गया, इसी तरह से क्वार्टर हो गया, थर्ड क्वार्टर इससे पता चलता है कि मतलब वैलिडिटी कैसा रहता है, क्योंकि दैट अगेन इसका और सर्टिफिकेट को भी हम चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि ये मिलता है कि नहीं, मैच करते हैं, ये हो गया इसका। तो मशीन का मतलब बेसिकली वही है कि एक मदरबोर्ड हो गया जहाँ पे चेतावनी जो ऐसे सोशल मीडिया में जो आ रहा है कि टेम्परिंग किया जा सकता है, ये है, ये इतना आसान से खुलेगा नहीं, खोल भी देने से भी अगेन दैट इज अलर्ट, सब जगह अलर्ट हो गया, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इसके इससे रिलेटेड पूरा मशीन से रिलेटेड ये है ऑटोमेशन सिस्टम ऑल्सो, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आज में। आप एक बार जस्ट बाकी दोनों मशीन को भी एक 5 लीटर का कैन का टेस्टिंग कर लेने से आपका टैंक ऑनलाइन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ अभी ऑनलाइन में हमको दिखता है, ये नोजल दिखा रहा है पूरा नोजल, ठीक है। अगेन ये चीज़ यहीं लोकलाइज नहीं है, ये ऑनलाइन है, मैं घर बैठे बैठे भी देख सकता हूँ कौन सा नोजल से तेल दे रहा है। यही चीज़ मॉनिटर किया जा रहा है, हमारा इंडियन ऑयल का जो मुंबई में हेड ऑफिस है उसके लिए स्पेशल सेल बना हुआ है अलग से, जो कंटिन्यूसली 24 आवर्स मॉनिटर करता है, मतलब ऑटोमेशन तो है ही लेकिन उस पर भी मॉनिटर करने के लिए भी आदमी बैठा हुआ है। तो एनीथिंग डिस्क्रिपेंसी कहीं पर कुछ होता है, इमीडिएटली वो सेल जो है हम लोग को इन्फॉर्म करता है, द वेरी नेक्स्ट डे हम लोग जाना पड़ेगा इंस्पेक्शन में, ऐसा करते हैं। ये हमारा नोजल ऑटोमेटिक, मतलब पूरा ऑटोमेटेड है, ये अभी दिखा रहा है कौन सा नोजल, ये अभी तेल दे रहा है किस पर्टिकुलर मशीन का, ग्रीन वो ग्रीन हो गया, ग्रीन ये तेल दे रहा है, यही ऑनलाइन दिखता है, कहीं से भी देख सकता है, जहाँ जहाँ जिसको ऑर्डर किए हैं हम लोग देख सकते हैं। इसी तरह से ये टैंक है अंडरग्राउंड जहाँ से हम लोग तेल निकलता है मशीन में, वो भी ऑटोमेटेड है, वो भी पूरा देख सकता है। ये वाला है पेट्रोल है, ये वाला आपका हो गया आपका ये एक्सपी है क्या, हाँ ये एक्सपी हो गया, ये ब्लू कलर जो डीजल हो गया, ठीक है। दिस वन पर्टिकुलरली ये वाला मशीन के लिए है, ये एक्सपी वाला जो है वो मशीन के लिए, और वो डीजल जो लास्ट वाला वो आज वाला मशीन के लिए। यहाँ से भी पूरा स्टॉक दिखता है कि कितना तेल है, अंदर पानी है कि नहीं है, ठीक है, वो सब भी पूरा सब कुछ ऑनलाइन दिखता है। तो कहीं पे हम लोग को मॉनिटर करने के लिए, सिंस वी आर बेसिकली ए सेल्स कंपनी, हम लोग भी मॉनिटर करने के लिए इजी रहता है, हमको एक एक को कॉल करना नहीं पड़ता है, हम ऑनलाइन घर में बैठे बैठे हम देख सकते हैं किसका क्या है, कहीं पे कुछ इश्यू भी अगर होता है इट ऑटोमेटिकली अलर्ट्स अस, मतलब ये चीज़। तो बेसिकली ऑटोमेशन से रिलेटेड इसका क्या फ़ायदा है, मामा आपको थोड़ा सा एक बार समझाना चाहता है। सबसे पहले तो ऑटोमेशन से पहले हमारा डिस्पेंसिंग यूनिट पहले था मैकेनिकल, एक जेड करके आता था, पुराना सिंगल मशीन सिंगल नोजल होता था, वो था मैकेनिकल। आफ्टर 2018 आफ्टर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सब कुछ हर एक मशीन को हमने इलेक्ट्रॉनिक बना दिया, ठीक है। ये मैं इंडियन ऑयल का सिर्फ बात कर रहा हूँ, दूसरा कंपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बारे में मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन इंडियन ऑयल के बारे में मैं कंप्लीटली बोल रहा हूँ। ये सारा हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर में आपका सब मशीन जो है रिप्लेस कर दिया गया है 2019 में ही, एवरी डिस्पेंसिंग यूनिट इलेक्ट्रॉनिक है। तो इलेक्ट्रॉनिक जब हो जाता है ऑटोमेटिकली जब हाथ से चेड़खानी वाला चांसेस है कम हो जाता है,
सब कुछ रिकॉर्डेड है, एवरी मतलब सेकंड माइक्रो सेकंड का पल्स जो होता है रिकॉर्ड डाटा जो है उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो वो मशीन तो हो गया, अपने आप में एक इंटीग्रिटी है उनका, अगेन दैट इज सर्टिफाइड बाय लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी उनको सीलिंग वीलिंग करता है। तो इन लीव इन एडिशन टू डैट मतलब उसके अलावा भी हम ऐसा चाहता है कि कस्टमर को कहीं पे हमारा डीलर कहीं धोखा ना करे, उसको जो मिलना चाहिए जो उनका हक है जितना का पेमेंट किया है उतना उसको राइटफुली मिलना चाहिए। उसके लिए इंडियन ऑयल ने क्या किया है, ऑटोमेशन सिस्टम लगाया है एवरी आउटलेट में हमने ऑटोमेशन सिस्टम लगाया है, नया को छोड़ के। अब नया जो हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर में यूपिया में एक हो गया है, यूपिया में एक हो गया तो वो सबका हम लोग ने ऑर्डर दिया हुआ है, तो वो लग जाएगा, इवेंचुअली लग जाएगा। लेकिन जो जो पुराना पंप है उसमें हमने लगा लिया ऑटोमेशन सिस्टम, कम्प्लीटली ऑटोमेशन सिस्टम। ऑटोमेशन सिस्टम जब बोलता है हमारा मशीन कनेक्टेड है और टैंक कनेक्टेड है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है सबसे पहले चेकिंग काउंटर चेक, न्यूमेरस इंटरलॉक्स लगा हुआ है इसमें काउंटर चेक करने के लिए, डीलर को कंट्रोल करने के लिए। डीलर सबसे पहले हर सुबह उसको यहाँ पे घुस के 5 लीटर का टेस्टिंग करना ही पड़ेगा, जो अभी आपने किया है रेंडमली। 5 लीटर के टेस्टिंग नहीं करेगा वो नोजल चलेगा ही नहीं, 5 लीटर के टेस्टिंग उसको करना ही पड़ेगा। कभी हो सकता है डीलर का भी गलती ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि डीलर का गलती ना हो लेकिन एरर दे रहा हो और कस्टमर को दिन भर वो एरर नहीं दे रहा, ऐसा भी चांसेस प्रोबेबिलिटी है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे 5 लीटर टेस्टिंग करना कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया। उसको क्या करना होगा, वहाँ पे 5 लीटर यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा, 5 लीटर टेस्टिंग वहाँ पे करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कैप्चर्स तब उसको वो नोजल अलाउ करेगा सेल करने के। अगर उसने 5 लीटर टेस्टिंग नहीं किया नोजल चलेगा ही नहीं, दिन भर लॉक है चलेगा ही नहीं, सबसे पहली बात। उसके अलावा इंटरलॉक, बहुत सारा इंटरलॉक होता है हमारा टर्मिनोलॉजी में। और सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूँ, ये जो कंपनी है एथोस, ये एक फ्रेंच कंपनी है। वी हैव हायर्ड 2 बेस्ट ऑटोमेशन कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनी है, एक एथोस है एक ऑर्पेक है। एथोस आपका फ्रेंच कंपनी है, ऑर्पेक आपका इसराइल का कंपनी है, दोनों इंटरनेशनल ऑटोमेशन में एक पायनियर है, बहुत सारा मल्टीनेशनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में उन्होंने किया काम किया है। तो हम लोग ने भी उन्हीं को दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी कंपनी को दे दिया, ये एथोस फ्रेंच कंपनी। तो इसमें क्या करता है फिर बेसिकली, वो ऑटोमेशन का तो आपका ये सुबह का 5 लीटर टेस्टिंग तो हो ही गया, उसके अलावा दूसरा इंटरलॉक, बहुत सारा इंटरलॉक क्या करता है, जब भी वो 5 लीटर प्रीसेट जो यहाँ पे कभी कभी हो जाता है कि आपने 100 का इनपुट किया, 100 का पंच किया, वहाँ पे 100 रुपीज़ का कस्टमर ने 100 रुपीज़ का मांगा है तो 100 रुपीज़ का पंच किया, अगर 100 रुपीज़ नहीं भी देता है ना वो फिर से वो नोजल को भी लॉक कर देगा, उसका फिर अप्रूवल मेरे पास में आएगा। तो वो सब अवॉइड करने के लिए उनको एग्जैक्टली देना ही पड़ता है, उसमें कोई चेकखानी नहीं कर सकता, अगेन दैट इज मतलब ऑटोमेशन उसको रेगुलेट कर रहा है। दूसरा हो गया एक ATG कम्युनिकेशन, टैंक हमारा टैंक भी, जैसे ये टैंक मैं दिखा रहा हूँ टैंक भी कनेक्टेड है पूरा ऑटोमेशन। तो किसी कारण से अगर ATG बंद हुआ, मान लीजिए डीलर ने कुछ तार को चेतखानी करके कम्युनिकेशन नहीं करने के लिए उसने कोशिश किया, जैसे जिस सेकंड में वो कम्युनिकेट नहीं करेगा टैंक भी लॉक हो जाएगा, मतलब डीलर को कोई चांस ही नहीं दे रहा है, कोई चांस नहीं दे रहा है डीलर को कुछ करने के लिए। एक सेकंड में अगर उसने मीटर वायर को काटा कुछ किया, जैसे जिस सेकंड में कम्युनिकेट नहीं करेगा टैंक लॉक, अगेन दैट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाई हायर अथॉरिटीज, नॉट ओनली मेरे से भी वो नहीं होता, वो फिर मैं हायर अथॉरिटीज गुवाहाटी ऑफिस में मैं मुझे ये करना पड़ता है वो चीज़ के लिए, ठीक है। तो ऐसा करके लॉक लगा हुआ है, वेरियस लॉक्स लगा हुआ है ये इसका ऑटोमेशन काउंटर चेक करने के लिए। उसके अलावा क्वालिटी को लेते हुए, ये तो मैंने क्वान्टिटी का बताया सब कुछ कि 5 लीटर केन में कस्टमर को 5 लीटर ही मिल रहा है, उसके लिए मैंने बताया। दूसरा एक हो जाता है क्वालिटी, क्वालिटी क्वांटिटी एंड क्वालिटी होता है, क्वालिटी में मतलब एडल्ट्रेशन का केस हो सकता है, उसके लिए भी हमने यहाँ पे इंटरलॉक लगा दिया है। अब जब एडल्ट्रेशन करता है तो प्रोसेस क्या होगा, होने से टैंक में वो डीजल टैंक में मान लीजिए उसके अलावा भी कुछ डालेगा वो, यही एडल्ट्रेशन हो सकता है। तो इसका भी हमने सोल्यूशन निकाला है, अपार्ट फ्रॉम डीजल उसका एक डेंसिटी होता है, पर्टिकुलर डेंसिटी, उसके अलावा वो कुछ भी डालता है डीलर अगर कुछ भी डालने का कोशिश करता है उस टाइम पर, हमारा वहाँ पे गेज लगा हुआ है, वो मैं दिखा दूंगा आपको, ऑटोमेटिक गेज लगा हुआ है, उसी से पता चलता है ये कितना अप डाउन मतलब है कि नहीं है, वो डिटेक्ट करता है कि कुछ अंदर घुसा है एंड इट इज़ नॉट डीजल,
लॉक कर देगा, तुरंत लॉक कर देगा फिर से, वो पर्टिकुलर टैंक से फिल नहीं कर पाए। इसी तरह से वेरियस इंटरलॉक्स लगा हुआ है, बहुत सारा लॉक्स लगा हुआ है। कस्टमर के लिए मैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेन इंपॉर्टेंट इंटरलॉक्स को बता रहा हूँ कि एडल्ट्रेशन भी करने नहीं देगा। तो उस केस में क्या होगा, इजिली अंदर जो हमारा एमची दोनों दिखों से आता है आईसीएल का, जो वहाँ से प्रोडक्ट भेजा है वही प्रोडक्ट आप कस्टमर को दे रहे हैं। और वहाँ पे भी हम लोग ऐसा नहीं है कि वहाँ से जैसे ऐसे ही दे रहा है, वहाँ पे भी कंटिन्यूसली रैंडम सैम्पलिंग करता है, हम लोग क्वालिटी चेक करता है, लेबोरेटरी में भेजता है, और फिर भी आउटलेट में भी हम लोग रैंडम सैम्पलिंग करता है। सैम्पलिंग क्या करता है, सैम्पलिंग मतलब रैंडमली कोई भी एक आलू को चूज कर लेगा, वहाँ से सैंपल उठाएगा, वो सैंपल हम गुवाहाटी लेबोरेटरी में हम भेजता है, वहाँ से टेस्टिंग होकर आता है, अगर कुछ अगर मिला तो हम लोग एक्शन लेता है, अगर कुछ नहीं मिला वेल एंड गुड, वो सर्टिफिकेट उनके पास में रह जाता है कि एवरीथिंग इज ओके ये केस में। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा टैंक को दिखा देता हूँ, टैंक में एक प्रोब है, तो ये कैसा डिटेक्ट कर रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेन होल हो गया हमारा, अंडरग्राउंड में टैंक है, इसके अंडरग्राउंड में टैंक है। तो ये दिस पर्टिकुलर वायर, ये जो वायर जा रहा है अंदर एक प्रोब घुसा हुआ है, उसको प्रोब बोलता है, ATG प्रोब होता है, ऑटोमेटेड टैंक गेज प्रोब। तो वो जो मेज़र करता है बेस्ड अपॉन द डेंसिटी, जो भी प्रोडक्ट है उसका एक पर्टिकुलर डेंसिटी रेंज होता है, वो रेंज का हम लोग ये ऑटोमेटिकली मेज़र करता है कि ये कितना आ गया, इसके ऊपर में अभी इतना स्टॉक है, ये मेज़र करेगा। तो इसमें इस टैंक पर्टिकुलर टैंक में दूसरा हम प्रोडक्ट गिराने के लिए भी करने से वो डिटेक्ट करेगा और लॉक कर देगा, वो लॉक कर देगा। वो खोलने का अथॉरिटी मेरे पास में भी ना डीलर के पास में ना मेरे पास में भी लोकल लेवल में भी नहीं है, वो हायर अथॉरिटी के पास। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत मतलब हम लोग अप्रूवल लेना पड़ता है, वी हैव टू गिव जस्टिफिकेशन। तो बिना वैलिडिटी चेक होते हैं ना, इसका वैलिडिटी हम लोग वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ करके रखा हुआ है, अगर इनकेस कभी आ भी सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तो आ भी सकता है डेफिनेटली। तो इलेक्ट्रॉनिक जब आता है तो वी लॉज ए कंप्लेन, मतलब डीलर को कंप्लेन एक्लॉज करना पड़ेगा। जैसे एटोस मैंने बताया, यहाँ का जो ऑटोमेशन कंपनी है एटोस है, एटोस का रिप्रेजेंटेटिव टेक्नीशियन आएगा, ही विल रेक्टिफाई, जो भी करना है वो करना है। इसका कोई सर्टिफिकेशन वैसा नहीं रहता, सर्टिफिकेशन हम लोग डायरेक्ट जब कंपनी लेवल में करते हैं, जब इंस्टॉल करने से पहले ही उनको सब कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग किया जाता है, वो कंपनी लेवल में, वो हेड ऑफिस लेवल में होता है, यहाँ आके इंस्टॉल किया जाता है। ये लाइक लीगल मेट्रोलॉजी इसका कोई ये नहीं, इसमें हम लोग का कुछ भी उसका ये नहीं रहेगा, सिर्फ ये कुछ कैलकुलेशन ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें हम लोग वो नहीं, सिर्फ ये डिटेक्ट विटेक्ट लॉक वॉक करने के लिए काम होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन, इस बुक के अनुसार ही हम लोग कोई भी एक्शन लेना होता है डीलर के अगेंस्ट में हम लोग लेता है। दिस इज एप्लीकेबल टू भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो हम लोग इसको ये करना है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक प्रोब दिखा देता हूँ, ये एक क्रिटिकल इरेगुलरिटी है, इसके अंदर में आता है एक एडल्ट्रेशन। क्वालिटी एंड क्वांटिटी को जैसे हमने बताया वो हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहता है कोई भी आउटलेट में। मैं आज के दिन में बोलूँगा एक रिटेल आउटलेट से, पेट्रोल पंप का रिटेल आउटलेट से ज़्यादा इंस्पेक्शन किसी चीज़ में नहीं होता। एक रिटेल पेट्रोल पंप का रिटेल आउटलेट में सबसे ज़्यादा हर एक टाइप का इंस्पेक्शन होता है। इसी बुक के अनुसार हम लोग एक्शन लेता है। इसमें देखिए आप क्रिटिकल इरेगुलरिटी है, इसमें एक पॉइंट आता है एडल्ट्रेशन, और एक है सील ऑफ मीटरिंग यूनिट फाउंड टेम्पर्ड इन द डिस्पेंसिंग यूनिट, डिस्पेंसिंग पंप। ये जैसे ही डिटेक्ट करेगा ना, अगर ये एस्टेब्लिश हो गया, इनका इसका पेनल्टी क्या है, एक्शन टर्मिनेशन एट द फर्स्ट इंस्टेंस। इसमें कोई वार्निंग लेटर नहीं होगा, कोई उसको पेनल्टी फाइन नहीं लगाएगा, कुछ नहीं होगा, सीधा डीलरशिप टर्मिनेट होगा। दिस इज एज पर मिनिस्ट्री गाइडलाइन, ये मिनिस्ट्री का पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का गाइडलाइन। जैसे कि एलिगेशन लगा रहे हैं कि पेट्रोल पंप में मीटर्स में टेम्परिंग किया जा रहा है, इसमें आपको क्या कहना है, मतलब कितना? थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं अभी लीगल मेट्रोलॉजी इंस्पेक्टर हमारा सिंपो साहब तुरंत अभी 9:30 को हमको बोला कि ऐसा होगा, तो आप एक बार थोड़ा आ जाइए, बोला ठीक है चलो, मैं भी पहुंच गया। माईसेल्फ तागे नोबिन, आई एम दी एस्टर्न मैनेजर इंडियन ऑयल। सो दिस पर्टिकुलर ये आपका जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है मेरा जुरिडिक्शन में पड़ता है, तो मैं जो भी बोलूँगा मैं इंडियन ऑयल के मामले में बोलूँगा, बाकी ऑयल कंपनीज़ के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। तो इंडियन ऑयल के मामले में जो टेम्परिंग आपने अभी बोला है, टेम्परिंग यूनिट, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है हर एक चीज़ हमारा डिस्पेंसिंग यूनिट इलेक्ट्रॉनिक है। उसके अलावा हम काउंटर चेक जो सीलिंग वगैरह लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से होता है वो भी होता है,
प्लस उसके अलावा हमारा ऑटोमेशन सिस्टम लगा हुआ है विच रिकॉर्ड्स एवरी माइन्यूट डिटेल्स, मतलब एक माइक्रो सेकेंड्स में उसको हर एक ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करता है. तो देयर इज़ नो स्कोप फॉर मतलब द डीलर टू यू नो टेम्पर, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्पेंसिंग यूनिट है, करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है. OTP बेस्ड सिस्टम बना हुआ है जैसे आपको एक्सप्लेन किया गया है. तो हर एक चीज़ मतलब इंटीग्रिटी जो उनका है, वी कैन एश्योर द इंटीग्रिटी इज़ वेल रोबस्ट, मतलब 100% वी कैन एश्योर कि कोई उसमें टेम्परिंग का कोई चांसेस नहीं है. कोई जो वायरल हुआ है अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ पे हुआ है, किस पे हुआ है, लेकिन हमारा इंडियन ऑयल का कंपनी जो जितना रिटेल आउटलेट है, पेट्रोल पम्प है, मैं एश्योर कर सकता हूँ कि ऑटोमेशन सिस्टम और हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्पेंसिंग यूनिट के मामले में कि कहीं पे कोई टेम्परिंग का कोई चांसेस ही नहीं. ये किस तरह काम करते हैं आप, हमें थोड़े डिटेल्स में बताने से तो कस्टमर को भी और ज़्यादा ज्ञान मिलेगा. डिस्पेंसिंग यूनिट इलेक्ट्रॉनिक डिस्पेंसिंग यूनिट होता है मैडम. इलेक्ट्रॉनिक डिस्पेंसिंग यूनिट होता है कि ये एवरीथिंग मैकेनिकल, पहले जैसा मैकेनिकल नहीं है जहाँ पे हाथ से मीटर को कहीं पे कुछ छेड़खानी भी हो सकता है, वैसा वाला प्रोबेबिलिटी केस नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, द डीलर कैन नॉट, मतलब इसका एक अलग से कंप्यूटराइज मदरबोर्ड रहता है, डीलर उसमें छेड़खानी नहीं कर पाएगा क्योंकि बिकॉज अगेन उस पर भी एक सीलिंग भी रहता है, वो सील करता है, लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सील करता है, उसका भी एक अपना वैलिडिटी रहता है. तो उसको अगर वो डीलर हमारा छेड़खानी करने का कोशिश करने से भी एक मैसेज, ऑटोमेटेड मैसेज, OTP सिस्टम वाला बेस्ड जो मैंने बताया, OTP वाला सिस्टम जो है SMS जनरेट होता है एंड IOCL को भी इन्फॉर्म किया जाता है एंड वी टेक नेसेसरी एक्शंस अगर कुछ गड़बड़ है तो. उसके अलावा 5 लीटर कैन जो सुबह जो टेस्टिंग करना होता है, क्वांटिटी जो है हमारा कस्टमर्स को जो मिलना चाहिए उनका, 5 लीटर जो मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है, वो कैसे इंश्योर कर रहा है हम लोग. डीलर हर सुबह हर एक नोजल से 5 लीटर कैन का टेस्टिंग करता है. 5 लीटर कैन का जब टेस्टिंग करता है, द डीलर इज़ एश्योर्ड कि मेरा कस्टमर्स को हम जो दे रहा है उस दिन भर वो हम 5 लीटर में दे रहे हैं. और उसके अलावा ये ऑटोमेशन सिस्टम लगा हुआ है. ऑटोमेशन सिस्टम में क्या होता है कि 5 लीटर टेस्टिंग सुबह हर एक नोज़ल में करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनको वो नोज़ल लॉक हो जाएगा और वो नोज़ल से सेल ही नहीं कर पाएगा. तो 5 लीटर कैन टेस्टिंग करने के बाद ही जब वंस दे आर कन्फर्म कि मेरा 5 लीटर कैन में ओके आ रहा है, देन ओनली दे कैन डिस्पेंस ये. और अगर नहीं भी होता है, डिस्पेंसिंग यूनिट में 5 लीटर कैन नहीं होता है, ऑटोमेटिकली मेरा ऑटोमेशन भी बंद करेगा और हमारा डीलर भी उसको पर्टिकुलर नोजल को बंद करके लीगल मेट्रोलॉजी को इन्फॉर्म करेगा, रिकैलिब्रेशन कराएगा. ओनली देन आफ्टर रिकैलिब्रेशन वापस 5 लीटर में 5 लीटर आ रहा है, देन ओनली वी मतलब हम लोग उसको एडवाइस करता है कि सेल करने के लिए. तो उसके अलावा टैंक में जैसे मैंने बताया कोई उसमें क्वालिटी का भी कोई ये नहीं है. क्वालिटी भी हम लोग सब जगह चेकिंग करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, वो सब करते हैं. तो सब कंसिडरिंग ऑल दोज थिंग्स, मतलब रेगुलरली इंस्पेक्शन जो करता है हम लोग, नॉट ओनली IOCL लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट करता है, बाहर से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आता है, कोलकाता से जैसे मैंने बताया क्वालिटी रीअश्योरेंस सेल आता है, तो वो सारा इंस्पेक्शन होता है, वो सारा हर एक आउटलेट में होता है. तो वो सबको कंसिडर करते हुए मैं 100% श्योर बोल सकता हूँ मेरा कस्टमर्स को, जो इस्टीम्ड कस्टमर्स हैं जो इंडियन ऑयल को पेट्रॉन्स हैं, तो मैं कॉल एकदम श्योर बोल सकता हूँ कि एक इंडियन ऑयल का कोई भी आउटलेट में आप जाइए, आप अगर डीजल लेना चाहते हैं बेफिक्र होके लाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे, ना क्वालिटी में ना क्वांटिटी में. आप पेट्रोल लेना चाहते हैं बेफिक्र होके लाइए. उसके अलावा हमारा और एक थर्ड प्रोडक्ट भी है, एक्स्ट्रा प्रीमियम 95, वो भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो माइलेज वगैरह जो कार्स का इंजन वगैरह को अच्छा रखता है. तो बेफिक्र होकर आप ले सकते हैं, कोई भी विजिट कर सकते हैं. और चेकिंग करने के मामले में भी आप खुद से आके भी 5 लीटर का कस्टमर्स का राइट बनता है, 5 लीटर कैन टेस्टिंग करना चाहता है वो भी कर सकता है. अगर जैसे कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसमें कंप्लेन की सुविधा भी है कि आप कंप्लेन सिस्टम है हर एक आउटलेट में, हमारा इंडियन ऑयल आउटलेट में आपको एक कस्टमर कंप्लेन बुक मिलेगा एंड द कस्टमर हैज़ एवरी राइट टू आस्क फॉर दैट कस्टमर कंप्लेन बुक. अगर जब उनको लगता है कि इश्यू कुछ हुआ है, नॉट ओनली आपका क्वालिटी और क्वालिटी को लेकर नहीं, सर्विस को लेकर भी, आपका कोई कस्टमर अटेंडेंट जो हमारा पेट्रोल पम्प में देने वाला पम्प डिलीवरी मैन जो है उसके साथ में रूड बिहेवियर किया, या आपका टॉयलेट अच्छा नहीं है, या हवा मशीन जो हम फ्री में देते हैं, या पीने के लिए पानी जो होता है वो सुविधा नहीं है, कुछ भी कंप्लेन, एनी फीडबैक पॉजिटिव और नेगेटिव, वी आर वेलकमिंग दैट. कस्टमर कंप्लेन बुक है हर एक आउटलेट में मिलेगा एंड कस्टमर हैज़ एवरी राइट टू आस्क फॉर दैट. एक उसका रिसिप्ट भी मिलता है, वो एक कॉपी वो अपने पास में भी रख सकता है एंड दैट विल बी एड्रेस विद इन 1 वीक. आज आपने पेट्रोल पंप चेक कर रहे हैं तो आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि यहाँ पे मीटर में ये कर रहे हैं, तो आपको क्या कहना है कि आपने क्या पाया है आज के इंस्पेक्शन? हाँ, ये हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही हम लोग को कुछ पता चला था
कि इटा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में स्पेशली ये पेट्रोल पंप जो डिस्पेंसिंग पंप हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे जो हम लोग का सील होता है, हम लोग जो डिपार्टमेंट तरफ से जो सील करते हैं पंप को, वहाँ पे कुछ टेम्परिंग का कुछ केसेस है बोल करके ऐसा कुछ आया था, तो उसको लेकर के वो रिपोर्ट को लेकर के हमारा कैपिटल कॉम्प्लेक्स डीसी साहब ने भी कुछ एक हम लोग को ऑर्डर दिया था कि लीगल मेट्रोलॉजी और कंसर्न अथॉरिटी लोग एक बार देखिए वेदर इट इज़ प्रैक्टिस में है कि नहीं है, बोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोल करके। तो आज हम लोग ये ईटानगर नाहरलगन इंस्पेक्टर और मैं हेडक्वार्टर इंस्पेक्टर हूँ, सॉरी ACLM हूँ, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शनल असिस्टेंट कंट्रोलर वो मेडिकल लीव में है तो मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ, तो मैं साथ में आया हूँ इनके साथ में। तो हम लोगों ने ईटानगर में एक दो पंप में किया है, यहाँ नाहरलगन में एक दो पंप में किया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जो देखा है हम लोग का डिपार्टमेंट तरफ से जो सील हम लोग लगाते हैं दैट इज़ इंटैक्ट, कहीं हम लोग को टेम्परिंग का कुछ एविडेंस हम लोग को नहीं मिला है। अगर मिलता तो श्योरली हम लोग एक्शन लेता, क्योंकि हम लोग पूरा तैयार होकर आया था कि अगर सचमुच का ऐसा कुछ है तो हम लोग का एक्ट एंड रूल के अंदर में जो प्रोविजन है उसको हम लोग एक्सरसाइज करेंगे बोल करके। तो ईटानगर में भी देखा, यहाँ पे नाहरलगन में भी देखा, तो कहीं हम लोग को अभी ऐसा नहीं मिला है, तो अकॉर्डिंगली वी विल सबमिट आवर रिपोर्ट टू डिप्टी कमिश्नर सर। आप लोगों को किस तरह पता चलता है कि टेम्परिंग नहीं हुआ है, कुछ टेक्निक है कि इसमें हम लोग का? तो जहाँ तक लीगल मेट्रोलॉजी का सवाल है, हम लोग एनुअली उसको वेरीफाई करके सील लगाते हैं। ऊपर में जो होता है, जहाँ पे आपका डिस्प्ले आता है, रेट आता है, क्वांटिटी जितना तेल जाता है, डेट वी कॉल एस डिस्प्ले और द मीटरिंग यूनिट। तो वहाँ में उसका अगर वो ढक्कन को खोलेगा तो अंदर में उसका वो सीलिंग करने का प्रोविजन्स होता है। अभी सपोज़ एक मशीन में चार नोज़ल अगर है तो वो चार वहाँ पे सीलिंग करने का प्रोविज़न होगा, हर नोज़ल का एक एक सील करने का, क्योंकि उसमें वो आपका जो कनेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन वगैरह होता है, तो वो उसको हम लोग इंश्योर करता है कि द रीडिंग्स आर अप टू द मार्क, टू द परफेक्ट। थोड़ा थोड़ा कुछ परमिसेबल एरर्स आर अलाउड हम लोग का जो रूल में, जैसा 5 लीटर्स में आपका 20 to 25 ml का वो प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस, आप ज़्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, वो परमिसेबल एरर है, क्योंकि मशीन वाला चीज़ है, थोड़ा आगे पीछे तो होता ही है, एग्जैक्ट नहीं होता है, तो वो परमिसेबल एरर को हम लोग काउंट में रख करके हम लोग उसको जब देखता है कि मशीन इज़ ओके तब हम लोग सील करता है। इसके बाद नीचे में जो आता है, जहाँ पे ये अंडरग्राउंड टैंक से ऑयल को डिस्पेंस करता है, वो एक सख्त वो उसको तेल को खींचने का एक जगह होता है, दैट वी कॉल एज द असेंबली यूनिट और द डिस्पेंसिंग यूनिट, वो मेन चीज़ होता है। तो वहाँ पे भी हम लोग अगर रीडिंग ओके है, जैसा 5 लीटर में ही 5 लीटर कॉनिकल मेजर में ही हम लोग चेक करते हैं, तो 5 लीटर में अगर 5 लीटर ही दे रहा है तो वो डिस्पेंसिंग यूनिट को भी हम लोग वहाँ पे सील लगा देते हैं। तो जैसा आप लोगों ने देखा है कि सील वॉज इंटैक्ट, तो हम लोग वही करते हैं, जैसा हम लोग का रेगुलर इंस्पेक्शन भी जब होता है तो ये सब चीज़ भी हम लोग चेक करते हैं। उसमें मैं बता दूँ कि 2018-19 का बाद से देर हैज़ बीन ए मेजर चेंज इन आपका जो ये मशीन्स लुका है। पहले मैकेनिकल मशीन्स यूज़ हुआ करता था, मैकेनिकल मशीन्स में एरर्स कराने का और होने का चांसेस ज़्यादा था, और ये आपका ये पेट्रोल पंप ओनर्स लुक भी वो लोग थोड़ा सा मैनिपुलेशन वगैरह पहले प्रैक्टिस में होता था, इसको हम लोग डिनाई नहीं करता है। मगर 2018-19 का बाद से ऑलमोस्ट ऑल द डिस्पेंसिंग पंप्स जो मशीन लुक है दे हैव बीन ऑटोमेटेड, वो ऑटोमाइज्ड हो गया है, कि आप अगर यहाँ पे अगर शॉर्ट डिलीवरी देने का भी अगर ट्राई करेगा तो वहाँ पे मशीन होता है, रिकॉर्ड कर लेता है। अभी जैसा हम लोग थोड़ा पहले एक ईटानगर एक पंप में गया था, तो वहाँ का मार्केटिंग ऑफिसर तागे नोबिन जी ने हम लोग को अच्छा से एक्सप्लेन किया है कि अगर कुछ भी उसको मैनिपुलेशन करने का भी अगर ट्राई करता है या उसमें एडल्ट्रेशन करने का भी ट्राई करता है तो सबसे पहले तो वो नोज़ल ही बंद हो जाएगा, डिलीवरी ही बंद हो जाएगा। सेकंड, अगर कुछ मिलावटी पानी या कुछ भी अगर कुछ एडल्ट्रेंट अगर आप मिलाता है या मिल जाता है
तो अंडरग्राउंड टैंक जो होता है वहाँ से भी डिलीवरी बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। एंड दिस थिंग इज़ मॉनिटर्ड बाय द कंपनी ऑफिसर्स। अभी जैसा ये हम लोग यहाँ पे जो पंप में खड़ा है वो एक कंपनी का है, दो तीन हम लोग कंपनी वाला फार्म में गया, तो सब कंपनी का अलग अलग ऑफिसर्स होता है, तो वो लोग उसको मॉनिटर करते रहते हैं हेड ऑफिस में बैठ करके भी, और जो मार्केटिंग ऑफिसर्स होता है वो लोग भी उसको देख करके मॉनिटर करता है। और सबसे पहले तो एस हम लोग का डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर का तरफ से, जब भी आप लोग तेल भराएगा प्लीज़ एंश्योर दैट द मीटरिंग यूनिट इज़ सेट टू जीरो बिफोर डिलीवरी। हम लोग का आदमी क्या करता है, नॉर्मली टाइम नहीं होता है, गाड़ी में ही बैठ करके होगा भर दो बोलता है, वो मीटरिंग गाड़ी से उतरता भी नहीं, देखता भी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो नॉर्मली पंप मैन कभी कभी थोड़ा बदमाशी कर लेता है, वो लोग पहले गाड़ी जो बिक्री किया वाला तेल को उसी का साथ में मिला करके ऐड करके दे देता है। तो ये सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ही जागरूक होना पड़ेगा, आप ही अलर्ट होना पड़ेगा, आपका अलर्ट ही आपका सबसे बड़ा वेपन है ये चीज़ में आपको बचाने के लिए ना। तो हम लोग का डिपार्टमेंट तरफ से यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ एंश्योर कि मीटरिंग यूनिट इज सेट टू जीरो बिफोर डिलीवरी, आप लोग चेक कीजिए। इसके बाद में सेकेंड है कि अगर आपको डाउट होता है कि हमको शायद कम मिल रहे हैं ना, अगर डाउट होता है, सपोज़ आप कल भरा के गया है, अरे इतना जल्दी ख़त्म हो गया, अगर कहीं कुछ डाउट होता है तो हर डिस्पेंसिंग पंप में 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर का कोनिकल मेजर होता है। आप लोगों ने जो हम लोग जो टेस्ट किया था वहाँ पे जो देखा है, हाँ वो एनी टाइम आपका पास में ये डिस्पेंसिंग पंप में है, आप जब भी डाउट होगा उसको, जैसा हम लोगों ने डिलीवरी टेस्ट किया था 5 लीटर मीटर में और 5 लीटर वो कैन में, अगर वो दोनों बराबर है दैट मीन्स द डिलीवरी इज़ परफेक्ट ओके ना। अगर उसमें डिलीवरी में कुछ कम बेसी दिखाई देता है देन यू कैन लॉज कंप्लेन इन आवर लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिस विच इज़ नियर बाय सी सेक्टर नाहरलगन में है, एनी टाइम आ करके वहाँ पे शॉर्ट डिलीवरी का केस हम दिखाई दिया है। सकने से आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, अगर शॉर्ट डिलीवरी का कुछ केसेस आता है तो वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका कंप्लेन आपका वो वीडियो रिकॉर्ड का बाद में पंप वाला अगर उसको ठीक भी कर देगा होगा, तो हम लोग के पास एविडेंस नहीं रहेगा, आपका पास भी एविडेंस नहीं रहेगा, तो सकने से गेट इट वीडियो रिकॉर्ड। अगर कोई पेट्रोल पंप जो है टेम्परिंग करते हुए पाया जाएगा तो उसके लिए पनिशमेंट क्या हो सकता है लीगल मेट्रोलॉजी? हम लोग का लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के तहत ना सेक्शन 44 का वायलेशन होता है अगर टेम्परिंग होता है, हम लोग का जो सील है ना तो देट इज़ नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल मतलब जैसा कोई दूसरा ऑफेंस अगर करता है तो फर्स्ट टाइम गलती हुआ है फाइन दे करके रफा दफा कर लिया, उस टाइप का ये सेक्शन में कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर आपका टेम्परिंग पाया जाता है सील में स्पेशली तो वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस में जाएगा, कोर्ट केस में जाएगा, 6 मंथ का हम लोग का इम्प्रिजनमेंट है फर्स्ट ऑफेंस के लिए। अगर उसका बाद में 6 महीना बैठने का बाद में फिर निकल के आया फिर से रिपीटेड सेकेंड ऑफेंस अगर होता है तो 1 ईयर का जेल है उसमें, इम्प्रिजनमेंट है विदाउट फाइन है। और सेकेंड ऑफेंस अगर होता है देन द डिपार्टमेंट में ऑल्सो इनिशिएट फॉर कैंसलेशन ऑफ द लाइसेंस। तो ये तो हम लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से है, मगर कोई कोई कंपनी का जो OMCs होता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का होता है, OMCs का वो लोग का रूल इतना सख्त है, दे आर सो प्रो कंज्यूमर, कंज्यूमर का प्रति इतना वो लोग का चिंता होता है कि अगर लीगल मेट्रोलॉजी टेम्परिंग का वो लोग अगर कुछ एविडेंस दिखाई देगा केस आएगा तो विदाउट एनी नोटिस डायरेक्ट लाइसेंस का कैंसिलेशन का टर्मिनेशन का है वो लोग का प्रोविज़न में। तो ये है हम लोग का जो लीगल प्रोविज़न हम लोग का लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर में ना, और कंपनी का सबका अलग अलग नियम है तो अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं। सर एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि लीगल मेट्रोलॉजी सर आप लोग अपने हिसाब से साल साल में कितने बार चेक करते हैं, उसके बाद में अगर पब्लिक ऐसे पाया जाए उसके साथ में कुछ फॉल्ट हो रहा है तो कंप्लेंट कैसे एग्जैक्टली करना है उसका प्रोसीजर हमें बताएं? हाँ तो ये जो हम लोग डिस्पेंसिंग पंप या जो हम लोग फ्यूल पंप वो भी बोलते हैं तेल डिपो बोलते हैं ना हिंदी में, तो उसको हम लोग एनुअली साल में एक बार हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, साल में एक बार होता है। साल में एक बार मतलब तू एकदम उसमें वो जो परमिसेबल एरर का जो बात कहा था मैंने उसको भी हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं उस समय में। वेरिफिकेशन करना मतलब एग्जैक्ट 0 to 0 परफेक्ट रीडिंग में हम लोग उसको सेट कर देते हैं, सेट करके सील लगा करके छोड़ देते हैं। इसका बाद में एनी वर्किंग डे वी फॉर द होल 365 डेज इन ए ईयर ना वी आर ऑथोराइज टू कम एंड इंस्पेक्शन करने का हम लोग को फुल ऑथोराइजेशन है। हमारा
लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स स्पेशली जो फील्ड में काम करते हैं, जैसे हमारा इंस्पेक्टर्स लोग हैं, तो वो लोग का फुल ऑथोराइज है कि एनी टाइम वो लोग आ करके उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और रहा बात ये ये कस्टमर कंप्लेन का ना, तो कंप्लेन के लिए वी डोंट हैव एनी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट तो नहीं है हम लोग के पास में, मगर हमारा ऑफिस सामने में ही है, नियर बाई है, नाहरलगन सी सेक्टर में है, जस्ट नेक्स्ट टू BSNL ऑफिस। वहाँ पे एनी टाइम आ कर के, जैसा मैंने पहले कहा है, आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा ना, कुछ एविडेंस लेकर के आने से, तब देन वी कैन एक्ट सो मोटो में, वो एविडेंस को बेस करके तब हम लोग सो मोटो एक्शन, हम लोग का जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट और रूल में जो भी है प्रोविजन है उसको हम लोग एक्सरसाइज कर सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना सीरियसली ले लिया इस मैटर को कि अभी वो लोग अभी तो चिप लगाना छोड़ी है। आप अगर उसका जो सर्किट है, जो ऑटोमेटेड सर्किट है आपका डिस्पेंसिंग पम्प, ये जो नोजल से लेकर के अंडरग्राउंड टैंक तक, वो जितना भी सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो भी है, वहाँ पे आप अगर कुछ भी छेड़खानी करने के लिए ट्राई करेगा, आपका पूरा वो डिलीवरी बंद हो जाएगा वो पंप का, इतना ऑटोमेटेड है। और उस और वो चीज़ को जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उसका ऑफिसर्स लोग हमेशा सुपरवाइज करते हैं, नज़र ऑनलाइन देखता है वो लोग। वो सपोज़ हमारा गुवाहाटी में हेड ऑफिस है OMC का, ऑयल मार्केटिंग कंपनी का, तो गुवाहाटी में भी देखेगा हेड ऑफिस, ये आपका जो मार्केटिंग ऑफिसर है वो भी देखेगा, और बॉम्बे में या दिल्ली में जहाँ पे भी वो लोग का हेड ऑफिस है वहाँ पे भी वो लोग नज़र उसको सुपरवाइज मॉनिटरिंग करके रखा हुआ है। तो इसीलिए पहले जो भी हुआ था, मगर अभी 2019 ऑनवर्ड्स मेरा ख्याल से एज फार एज माई नॉलेज गोज टेम्परिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। थोड़ा सा गलती हो जाने से भी पंप वो बंद हो जाएगा, वो डिलीवरी बंद हो जाएगा, डिलीवरी ही नहीं होगा, तब जा कर के वो ऑनलाइन वहाँ पे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का ऑफिसर्स लोग उसको देख लेगा, देखने का बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन चालू होगा, तब अकॉर्डिंगली जो भी एक्शन लेना है। सपोज वॉलंटरीली जानबूझ के किया है बोलने से, तब वो लोग OMC का तरफ से एक्शन लिया जाएगा, और अगर एक्सीडेंटली हो गया है बोलने से, तब जा कर के फिर वो कंपनी का टेक्नीशियंस लोग आएगा, इंजीनियर आएगा, तो जो भी गलती हुआ है उसको करेक्ट करके, रेक्टिफाई करके फिर पंप को यूज़ में लेके आएगा। और सर ये अदा और भी मतलब चेक करना है ना, बहुत सारा पब्लिक लोग कंप्लेन दे रहे हैं कि और भी बहुत सारा पेट्रोल पंप है कि जो मतलब इसे छेड़खानी कर रहे हैं, तो आप लोग उसको वापस कब चेक कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो करते ही रहता है, जैसा अभी हम थोड़ा पहले बोला है ना, इंस्पेक्शन तो एनी टाइम हम लोग का होते रहता है, हम लोग का फील्ड इंस्पेक्टर्स लोग जा करके चेक करते ही रहता है। अगर कुछ भी होता है तो हम लोग उसको अपना जो सीजर सर्टिफिकेट में ले करके हम लोग उसको कभी बंद भी कर देता है, उसको पंप लगा, वो पंप में हम लोग ताला भी लगा देता है कि आपका ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वो लोग फिर कंपाउंडिंग में ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफेंस कंपाउंडिंग होता है, तो कंपाउंडिंग देकर कुछ पेनल्टी दे करके फिर वो लोग एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि मशीन को हम ठीक कर लेगा बोल करके ना, तो वो अंडरटेकिंग मिल जाने के बाद में तब हम लोग उसको रिलीज़ कर देता है, तब वो फिर कंपनी को बात करेगा, जो ऑयल जो पेट्रोल पंप का या जो भी कंपनी है ना, तो उसको बात करके फिर वहाँ से इंजीनियर्स आएगा, टेक्नीशियंस आएगा, तब उसको रेक्टिफाई करके फिर हम लोग स्टम्पिंग करेगा। तो जब भी ऐसा कुछ हमारा ऑफिसर्स लोग तो हमेशा राउंड द क्लॉक चेक करते ही रहता है, रिपोर्ट भी आता है हम लोग के पास में, मंथली वीकली रिपोर्ट भी आता है, हेडक्वार्टर में देता है, तो बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट्स तो हम लोग तो देखता है कि हमारा ऑफिसर्स तो काम कर ही रहा है, ठीक कर रहा है। हाँ, कभी कभी हो जाता है अननोइंगली मैकेनिकल चीज़ है, कुछ चीज़ कभी ख़राब हो जाने से, तब जा कर के अगर हम लोग फील्ड में पाया जाता है तो हम लोग उसको वो एज पर हम लोग का एक्ट एंड रूल का जो भी प्रोविजन है उसको हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। और अगर आप लोग का एज कॉमन कंज्यूमर, एज कॉमन पीपल, अगर आप लोग का कहीं भी अगर दिखाई देता है, तो मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा डिपार्टमेंट का तरफ से कि प्लीज़ उसको वीडियो रिकॉर्ड करके हम लोग को शेयर कीजिए, तब हम लोग जो भी एक्शन लेगा, जो रूल के अंदर में, एक्ट के अंदर में जो भी प्रोविजन है उसको हम लोग एक्सरसाइज करेगा।